हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, इन अ मैसेज टू इंडिया, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ मालदीव सेज फॉरेन ट्रूप्स मस्ट गो। जैसा मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में भी बताया था, ये बंदा कह रहा है हमारे इंडियन आर्मी को कि भाई आप जाओ, हमें आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है इनको हमारे सिक्योरिटी की ज़रूरत? क्योंकि ये एंटी इंडिया और प्रो चाइना अप्रोच रखते हैं। तो वहाँ पर अब अगर हमारे ट्रूप्स जाएंगे तो किसके ट्रूप्स आएंगे? ऑब्वियसली चाइना के। तो चलिए देखते हैं क्या है। द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द मालदीव सेड ही विल स्टिक टू इट्स कैंपेन प्रोमिस टू रिमूव इंडियन मिलिट्री पर्सनल स्टेशन इन द आर्किपेलागो स्टेट, प्रोमिसिंग ही वुड इनिशिएट द प्रोसेस। मोहम्मद मीजू टोल्ड हिज सपोर्टर गैदर्ड मंडे नाइट एट अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज इलेक्शन विक्ट्री डेट ही वुडेंट स्टैंड फॉर अ फॉरन मिलिट्री स्टेइंग इन द मालदीव्स अगेंस्ट द विल ऑफ सिटीजन। आप देखिए, ये हम इसको सिक्योरिटी देने के लिए बैठे हैं और ये मतलब क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। द पीपल हैव टोल्ड अस दैट दे डोंट वांट फॉरेन मिलिट्री हेयर। तो उनके लोगों ने ऐसा बोला है, हमें फॉरेन मिलिट्री नहीं चाहिए। अब कितना सच है कितना झूठ हम नहीं जानते। ऑल द कंट्री विच एग्री टू आवर प्रो मालदीव पॉलिसी विल बी आवर दोस्त फ्रेंड्स एंड अलाइज, मिजूस टोल्ड सपोर्टर एट मंडे इवेंट। वी विल सेंड बैक फॉरेन सोल्जर इन इन दी मालदीव्स, ही एडेड। Outgoing President Ibrahim Mohamed Solih, who was elected president in 2018, was battling legislation by Muzi that he had allowed India an unchecked presence in country। तो मतलब ये बोला, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो मोहम्मद सोलिह थे, जो 2018 में जीते थे, उन्होंने इंडिया को अनचेक्ड आपका अनचेक्ड प्रेजेंस दिया कंट्री में। उसका मतलब यही, उनके जो हमारे फॉरेन ट्रूप्स वहाँ पर स्टेशन थे। मिजूज पार्टी द फॉरेन द पीपल्स कांग्रेस मिजूज पार्टी द पीपल्स नेशनल कांग्रेस इज व्यूड एज हेविली प्रो चाइना। देखिए, ये हेविली प्रो चाइना है। मिजूज मेन कैंपेन थीम वॉज अबाउट अबाउट एन एलेज्ड थ्रेट टू मालदीव सॉवरेटी बाय सम इंडियन मिलिट्री पर्सनल ऑन एन आईलैंड, पार्ट ऑफ द पार्टीज ईयर लॉन्ग इंडिया आउट स्ट्रेटजी। तो इनका कैंपेन ही ये था, इंडिया आउट स्ट्रेटजी। सोली इंसिस्टेड दैट द इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इन द मालदीव्स वॉज ओनली टू बिल्ड अ डॉकयार्ड अंडर द एग्रीमेंट बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स एंड दैट द कंट्री सॉवरेनिटी वोंट बी वायलेटेड। ठीक है, द इंडिया विथ ट्रेडिशनली क्लोज रिलेशन टू माले, माले उसका मालदीव का कैपिटल है, डिनाइज दैट असर्शन असर्शन एंड इज हेल्पिंग टू बिल्ड अ नेवल हार्बर फॉर द मालदीवियन फोर्सेज टू बी ट्रेंड बाय इट्स मिलिट्री। न्यू दिल्ली मीन वाइल विल वेट एंड वॉच। म्यूजू पॉलिसीज अ सीनियर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल सेट स्पीकिंग ऑन द कंडीशन ऑफ, मतलब यहाँ पे इंडिया अभी कोई स्टेप नहीं लगेगा, बस वेट एंड वॉच करेगा, देखते हैं क्या करते हैं। ही हैज़ टू वर्क विथ हज एंड वी हैव टू वर्क विथ हिम, द ऑफिशियल एडेड, एम्फसाइजिंग दैट इंडिया वॉज not anti Maldives. The number of Indian troops in the Maldives is unknown. Critics says the secrecy behind the pact between the two government regarding the placement of military personnel and their role has led to suspicion and rumor. तो वो secrecy जो है लोगों को परेशान कर रहा है। Known activities of the Indian military include operating two helicopter donated by India and assisting in the rescue of people स्ट्रैंडेड और फेस्ड विद कैलेमिटीज एट सी। यहाँ पे हम उनको हेल्प कर रहे हैं उल्टा। फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमन लीडर ऑफ द पीपल्स नेशनल कांग्रेस। अब ये देखिए, ये पीपल्स अब्दुल्ला रहमान कौन है? ये इसी पार्टी के फॉर्मर लीडर है जिसके अभी ये जीते हैं, और ये पार्टी ही प्रो चाइना है। तो मतलब इनका भी कुछ प्रो चाइना ही रिमार्क होगा। मेड द मालदीव्स अ पार्ट ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी फ्रॉम ईयर 2013 टू 2018। तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इन्होंने मालदीव्स को पार्ट बना दिया था। द इनिशिएटिव इज मेंट टू बिल्ड रेलरो एड्स एंड पोर्ट्स टू एक्सपेंड ट्रेड द चाइना एंड इन्फ्लुएंस अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। क्योंकि आप देखिए, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है इनका इंडियन ओशन में। यामीन वॉज ट्रांसफर्ड संडे फ्रॉम जेल टू हाउस अरेस्ट, fulfilling one of Mizu's campaign promise before on November 17। तो आप देखिए, इन लोग का मुद्दा ही बस ये जो जीते हैं पार्टी, ये मुइजू जो जीता है, अब जो भी नाम है मैं तो मुइजू ही ना भूलूंगा,
मुइजो जो जीता है इसका यही था, इंडिया आउट कैंपेन इसका था, ठीक है। इसका मेन मुद्दा ही था कि इंडिया के ट्रूप्स को मालदीव से निकाल देंगे। अब मैंने पहले भी लोकेशन बताया, ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे लक्षद्वीप है हमारा, यहाँ पे आप देखिए मालदीव है, तो यहाँ पे हमारा आप समझिए इंडियन ओशन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये मालदीव माले ये है, यहाँ पे हमारे ट्रूप्स अभी स्टेशन्ड थे। अब यहाँ पे जब ये प्रो चाइना अपना पॉलिसी रखेंगे, इसको चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शायद से इसको कंटिन्यू करें ये लोग और हमारे ट्रूप्स को हटा दे, तो यहाँ पे अब इंडियन ओशन में चाइना का प्रेजेंस हो जाएगा, तो जो ना हमें अच्छा लगेगा ना यूएसए को अच्छा लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें, ये हम दोनों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। पर देखते हैं क्या होता है, इंडियन ऑफिशियल ने साफ बोल दिया कि हम बस अभी वेट एंड वॉच करेंगे, और उन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी कि हमें उनके साथ काम करना है और उन्हें हमारे साथ काम करना है। अब देखिए इनका हेविली प्रो चाइना अप्रोच ही रहा है हमेशा, और इनका बस एक ही मुद्दा था, इंडिया आउट इनका कैंपेन था, स्ट्रेटजी थी इनकी, और पीपल्स नेशनल कांग्रेस इनका नाम है। 2018 में जो मोहम्मद सोली आए थे पावर में, उनके बीच और इंडिया के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जो अभी हार गए हैं, और ये बंदा वापस से पावर में, वापस से क्या पहली बार पावर में आया है। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।